हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी C51 में होम स्क्रीन मोड सेटिंग कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन मोड का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा होम स्क्रीन मोड सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन होम स्क्रीन मोड सेटिंग में सेट कर सकते हैं। यहां पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखा स्टैंडर्ड मोड का और सेकंड ऑप्शन ड्रॉअर मोड का। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके फोन में स्टैंडर्ड मोड अप्लाई हो चुका है। अब आप स्वीप अप करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी ऐप स्वीप अप नहीं हो पाएगी क्योंकि फ्रेंड्स आपकी सारी ऐप्स आपके होम स्क्रीन पे आ गई है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा स्टैंडर्ड मोड। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन देखा हमारा ड्रॉअर मोड का। सो फ्रेंड्स, मैं इस पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके फोन में ड्रॉअर मोड सेट हो चुका है। यहां पे फ्रेंड्स अब आपको स्वीप अप करना पड़ेगा, तब फ्रेंड्स आपकी ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप Realme C51 में होम स्क्रीन मोड सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हिडन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।